मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिन बचे हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जीत की राह को आसान बनाने के लिए कांग्रेस ने 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए। हालांकि इस टिकट बंटवारे के बाद से ही पार्टी में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ज्वारा समेत अन्य सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में तो स्थानीय कार्यकर्ता बीजेपी से आए दीपक जोशी का जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं। विरोध से चिंतित कांग्रेस ने स्थिति संभालने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। हालांकि कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने से लेकर कई और काम की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रत्याशी चयन को लेकर स्थानीय इकाई से फीडबैक लेने के बाद सबसे परामर्श किया जाएगा, लेकिन असंतोष के स्वर जिस तरीके से तेज हुए उसकी कल्पना पार्टी ने भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी कई स्थानों पर प्रत्याशियों को लेकर विरोध बढ़ रहा है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। जबलपुर उत्तर मध्य सीट से अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ ही धक्का मुक्की कर दी। बीजेपी में भी छिड़ी इस जंग बंटवारे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा है। तो क्या कुछ कहा सिंधिया ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले, और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी।